अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हाँ, आज सुबह सुबह एकदम तैयार हो चुके हैं। सुबह सुबह नहीं, काफ़ी देर हो चुकी है, 9:30 बज गए हैं सुबह के, और अभी जा रहे हैं बाज़ार। संजीदा भी आज लेट से उठी है, रोज़ ही लेट से उठती है नानी घर आके। तो और मुझे सचमुच में लेट हो गई उठने में, सचमुच में बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। अगर 9:30 भी बजे, इसका मतलब 9 बजे उठा हूँ मैं। और हाँ, रात को सोने समय ये शायद इरादा कर लिया था मनी में कि अभी तो सोएंगे, एकदम खींच के सोएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ, गुड मॉर्निंग फैजान, गुड मॉर्निंग बोल रहा है। और यहाँ पे अपनी बाइक, इसे कल स्टार्ट किए थे, और सच में कल शायद 4 दिन बाद इसे स्टार्ट किए थे यहाँ पर। और आज कई दिनों बाद ना यहाँ से एक राउंड ले गया, और फिर वहाँ से भी एक राउंड लिया था, मज़ा आया। लेकिन अभी जाना है सुबह सुबह बाज़ार, मम्मी जी बाज़ार भेज रही हैं, तो सबसे पहले एक बैग लेके आ जाते हैं, और साइकिल से ही जाएंगे यार, बाइक लेके अभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आ चुके हैं अपने बाज़ार में, पहुंच चुके हैं यहाँ पर, मतलब आज पहुंचे, काफ़ी दिनों बाद आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ से सबसे पहले नीचे उतरते हैं, आप 500 का यहाँ से सबसे पहले ले रहे हैं खीरा सलाद बनाने के लिए, आज मम्मी जी पुलाव बनाएगी। यहाँ बाजार में भी घूम घूम के देख रहे हैं कहाँ पर सब्जी अच्छी मिलेगी। आज गाजर लागे ना, और मोबाइल के पीछे ना मैंने लिस्ट ले लिया है जो है कवर के अंदर, कि क्या क्या लेना है, मम्मी जी ने बता दिया है। नहीं तो यार हर बार एक दो चीज़ें भूल जाता हूँ। तो सबसे पहले अभी लेने चलते हैं टमाटर, ले लेते हैं यहाँ से, थोड़े कच्चे दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से चलते हैं। टमाटर कत करे गो जा, यहाँ से ले लेते हैं टमाटर। चलो सर, है टमाटर कत करे कत 50 रुपये किलो है शायद, दो 500 दो ना, 500 यहाँ से ले रहे हैं हम भिंडी, ढेंस कत करे अंकल, ढेंस 500 दो। यहाँ से बाँच रहे, मैंने बता दिया अंकल क्योंकि कच्चा कच्चा देखे देने से। वैसे बाँचने के लिए थैंक यू अंकल जी को। यहाँ पर मछली, वहाँ पर भी मछली, आज मम्मी जी ने मछली उछली लेने को मना किया, मतलब बोला नहीं है मछली उछली लेने को। और ऐसे भी बोला होता ना, बोलते तो लेते हैं, लेकिन ऐसे हम लेते नहीं बाज़ार से मछली उछली, क्योंकि तालाब से पकड़ लेते हैं ना फरहान और दादा जी, दिन रात बैठे रहते हैं मछली पकड़ने के लिए। और यहाँ पर ये जो सीड्स उड्स ये सब बेचा जाता है, दादाजी भी यहाँ से ख़रीदते हैं पौधे लगाने के लिए सीड्स उड्स यहाँ से ही। तो शायद अभी सब कुछ लेना हो गया है, तो अभी ये सब लेके निकलते हैं। और ये हमारा बैग, देखो क्या सब लिया है, धनिया टमाटर खीरा ये सब। तो अभी मेरा बाजार करना हो चुका है कंप्लीट, और अभी चलते हैं घर, इसे साइकिल में लोड कर लेते हैं। तो अभी मेरा बाजार पूरा हो चुका है कंप्लीट, साइकिल में आ चुके हैं, बाजार के ऊपर आ चुके हैं ये अपना बाजार, और यहाँ पर ये ऊपर आ चुका हूँ मैं। और इस बार ना फरहान को नहीं लाया, क्योंकि यार फरहान को जिस बार मिला तो वो एकदम उल्टा पुल्टा कर देता है, कुछ भी ले लेता है, मतलब कुछ भी ले लिया ना, हो गया है ये फलाना आइटम का, और वो ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी मतलब हेजिटेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। मेरे को वीडियो बनाने में अगर 1-2 मिनट ज़्यादा लग गए तो बस वो ये सब करने लग जाएगा, तो इसलिए इस बार उसे नहीं लाया। इस बिना से वीडियो हो गया, बाज़ार हो गया, अभी चल रहे हैं घर। तो अभी इस रास्ते में आ चुका हूँ, और यहाँ से भी हमारे घर तक जाया जा सकता है, और इस रास्ते से भी जाया जा सकता है। तो कुछ भी चूज़ करूँ, घर तो मैं पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ये दिखाने के लिए एक बार। यहाँ पर इसके अंदर ना जो है एक मंदिर है, और यहाँ पर इसके अंदर ना जो है एक मंदिर है, और
मंदिर तो है ही है, लेकिन इसके अंदर एक पार्क जैसा भी कुछ है और वहाँ से नदी का भी व्यू आ जाता है। तो एक बार यहाँ पर ना घूमने आएंगे, आज शाम को ही आ जाएंगे अगर हो सका तो इंशाल्लाह। तो देखते हैं। और ये है हमारे यहाँ का मछली बाज़ार जो है, जो कि अभी उठ चुका है क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, 10 बज चुका है और अभी मछली बाज़ार जो है उठ चुका है। हम भी यहाँ पर कई बार आए मछली लेकर तालाब का, जब एकदम बहुत सारे मछली, मतलब दादाजी जो है बिजनेस जैसा करते थे तालाब से। तो यहाँ पर वो मछली का जो बाज़ार है यहाँ पर, वो देखो बिल्ला, इसका भी खाना पीना हो गया लगता है मछली उछली। तो अभी जो है एकदम खाली हो चुका है, हम भी यहाँ से घर चलते हैं। और यहाँ पर भी पूजा वूजा ये सब होते हैं देखो, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं। और फिर इस दुकान में आए हैं साइकिल में हवा दिलवाने। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइकिल में हवा ही नहीं बल्कि एक मैकेनिज्म जैसा ऐसा कुछ, यहाँ पर सब कुछ होता है। साइकिल भी ठीक होते हैं, बाइक भी ठीक होते हैं, और यहाँ माला भी बेचते हैं ये लोग। अच्छा है, हम हवा दे के और यहाँ से निकल जाएंगे, हम यहाँ से इस रास्ते से वहाँ पर निकल जाएंगे दाईं तरफ, तो पहुँच जाएंगे घर। तो ये बाजार लेके घर में आ चुके हैं। बाजार की बाजार सब्जी बाजार। और आज फैज़ान की मैम आई है पढ़ाने, चिकन लाने वाले थे लेकिन फिर दादाजी ने कहा कि घर में ही मुर्गी जो है जबा होगा। तो दादाजी अभी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जबाई कर देंगे। तनिया अचानक से छींक चालू होगी। अरमान गुल्लू खेल रही है फुप्पी के साथ। इसको भी डांस करना, डांस। तो आज नाश्ते में मम्मी जी ने खिचड़ी बनाया था जो कि मैंने खा लिया है। और यहाँ पर ये बेल के जो छिलके, मतलब कवरिंग देख के समझ सकते हो कि बेल का चाट बनाया है, फरहान ने बनाया है। देखते हैं, फरहान ने उसको निकाला, फुप्पी जी उसको जो है एकदम रेडी कर रही है अच्छे से। दाना उना नहीं। और यहाँ पर ये चीनी पानी में डुबा दिया है, अच्छा भिगो दिया, ऐसे धो के धनिया वनिया। इससे जो मीठा मीठा टेस्ट आता है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। जा इच्छा बोलो, अब इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। वाह, फिर डालेंगे थोड़े धनिया पाउडर और अभी लाल मिर्च पाउडर में फिर से मिक्स। छोटा प्याला देते तो भाई ने तेरे नून डाल तूले नहीं, और फिर नमक। हम ही आगे नून दुआ खेत हूँ किंतु एरम कोते कोते खेत सब ऐसा देखे देखे तो सीखे गए थे। आपको नहीं टाइम भाल लगे चीनी दुआ टाइम भाल लगे, आगे हमारा चीनी दुआ भाल लगता है। देखिए चलो
দেখো চান্দি কি চামচ একটা চেকে দেখ দুটোই চেকে দেখ তারপর বলি আমি এক চেকে দেখছি আর চামচ দাও তো আমি করতে টেস্ট এই চামচ দিয়ে ট্রাই করব তো সবচেয়ে পহলে তিখা वाला টেস্ট করতে নমকিন वाला हां নমকিন वाला ওটা ভালো লাগছে বহুত টেস্টি হ্যাঁ বলা খেয়ে গেছে এ মিঠা वाला টেস্ট করতে मीठा वाला भी बुरा नहीं लग रहा लेकिन मुझे मीठा ज्यादा पसंद नहीं तो दोनों ही टेस्टी हैं तो अभी जो है दिवाली की छुट्टी हमारे एक हफ्ते के लिए है तो पूरे एक हफ्ता हमको कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार नानी घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही हम आए वापस, तो यहाँ पर जो है अभी क्रिकेट के लिए पिच बना रहे हैं क्योंकि अभी क्रिकेट खेलने का मन हो रहा है। यहाँ फैज़ान सुबह सुबह आलू पूरी खा रहा है तो यहाँ पर ये पिच मैं अभी बना रहा था। इतना सा यहाँ पर हुआ है तो ये पूरा लाइन इतना एक पिच जैसा छोटा सा 4x4 खेलेंगे हम तो उतना सा ही। अब यह ज़्यादा सो मेरे से होगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर काम हो जाएगा कम्प्लीट फिर खेलेंगे ठीक है। यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा नरम है इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और घास जो है बहुत ज़्यादा सख्त है इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। घास को राज है जो जहर देखे मार दिया था इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये कुदाल इतना ज़्यादा टेढ़ा है इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और कहाँ तकलीफ़ हो रही है ये यहाँ पर खड़ा है इसीलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो जैसा कि मैंने बताया था आज मम्मी जी ने पुलाव बनाया है लंच में और फिर से पुलाव और उसके साथ ये चिकन दादी माँ का पाला हुआ चिकन है और मैंने बनाया है सैलेड। फरहान से जिसे पहले ही खाने बैठी है बहुत बढ़िया। यहाँ पर फैजान दादी माँ तो चलो खाने बैठते हैं। तो सुबह को दिखाया था दोपहर को कि यहाँ पर मैंने ये कुदाल से पीछे अच्छे से बना दिया था क्रिकेट खेलने के लिए और अभी सब खेल रहे हैं। तो अभी जो है फरहान की टीम बॉलिंग कर रही है और मेरी टीम बैटिंग कर रही है। मेरी टीम में है फैजान संजीता और मैं और इनके टीम में है फरहान और अरमान ठीक है। अच्छा चीटिंग हो रहा है। हमारा फैजान तो बहुत ही अच्छा खेलता है, संजीता तो रॉकेट खेलती है और मेरा भी तो पता ही है। और हाँ इन लोगों का जो है बैटिंग हो चुका है और अभी मेरे टीम का बैटिंग चल रहा है। 4 ओवर का गेम है, इन दोनों को मैंने 3 बॉल में ही आउट कर दिया है। 1 ओवर के 3 बॉल में इन दोनों को आउट कर दिया है मैंने, सोच पा रहे हो लेजेंडरी। तो अभी फरहान बॉल कर रहा है, संजीता बैट कर रही है। नहीं भागना आराम से खेलो। कितने बॉल हुए, बॉल कितने हुए, 2 बॉल ठीक है। ये 3 नंबर बॉल संजू खेलने जा रही है और ये मार दी 4। फोड़ नहीं है नो प्रॉब्लम इट्स नॉट 4 किंतु क्या ना फोड़ना है इतना तो ले गया छे एंड इट्स आउट फिजन बैट करो बेटा 4 इतने ले गया तो बाउंड्री सेट है फिजन बैटिंग करो फिजन फिजन बैट कर रहा है और ये मारा ये
4 6 নটি এ জুম কেস করে হচ্ছে জুমটা ঠিক হচ্ছে না নটি লে বল বলি আসো যা বল আউট রিয়ান ভাইজান বল রিয়ান ভাইজান बॉल को उड़ाते हुए इधर लेकर आ गया। देखो सब डर के मारे उधर से भी नहीं आ सकता, इधर से आ रहा है सब। मेरे पास टाइम नहीं, मैच जीत चलो। सर भी आके खेलने लग गए थे, यहाँ पर आर्यन भी खेल रहा था। वो देखो तो सर ने लोगों को आउट कर दिया, बोल रहा है ऑल आउट नहीं हुआ। ये देखो सर बोल कर रहे हैं, देखो यानी एक्सपीरियंस्ड मैन। ओ भाई साहब सर सर। तो चलो अभी शाम भी हो गई है, इन लोगों का टीचर भी आए हैं, तो ये लोग पढ़ाई करेंगे और मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। हाँ यहाँ गुल्लू और हाँ बैठ चुके हैं डिनर के लिए, और आज डिनर में ये फिश फ्राइज, चिकन, दाल, आलू भाजा, आलू फ्राई, रोटी, ये सब। तो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा गए हैं थक, और अभी कंबल से अपने आप को लेंगे ढक। और हाँ अभी आराम करना है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज, बाजार बाजार किए, खेला धूला, बहुत कुछ किए, और अभी सो जाएंगे। बिस्तर तैयार है, फरहान सो रहा है, मैं भी जाके सो जाऊँगा। तो कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट, बाय बाय।